दोस्तों इस वीडियो में पूछेंगे जीके का 10 मजेदार सवाल। प्रत्येक सवाल पर मिलेगा आपको 5 सेकंड सोचने के लिए। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि कोई भी नया और ताज़ा जानकारी आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, हाथ पांव में जलन और पीला पेशाब होने पर क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, हाथ पांव में अगर जलन होने लगे और पीला पेशाब होने लगे तो आप लोगों को 100 ग्राम सूखा धनिया लेना है, 100 ग्राम सौंफ लेना है, 100 ग्राम मिश्री लेना है। इन तीनों को कूट पीस करके चूर्ण बना लेना है और सुबह शाम खाली पेट खाना है और हाथ पांव की जलन और पेशाब का पीलापन बिल्कुल मिट जाएगा। सवाल नंबर दो, नमक बिल्कुल नहीं खाने से कौन सा बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देगा अगर डॉक्टर बनना है तो। दोस्तों इसका सही आंसर है, नमक बिल्कुल नहीं खाने से खांसी, बलकम, जुकाम, कौड़ी का बढ़ जाना और घेघा रोग लग जाता है, इसीलिए नमक का प्रयोग खाने में जरूर करना चाहिए। दोस्तों और ज़्यादा नमक खाने से भी लकवा की बीमारी हो जाती है, इसीलिए नमक का ना मात्रा खाना सबसे जरूरी होता है। सवाल नंबर तीन, जिन लोगों के खून में एलर्जी रहता है उन लोगों को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो यहाँ वीडियो छोड़ करके आप लोग चले जाइएगा। तो इसका सही आंसर है, जिन लोगों के खून में एलर्जी होती है उन लोगों को मछली नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दाद, खाद, खुजली और एक्जिमा जैसे बीमारियां उनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है और दही, कांदा, कोहरा ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ही खाना चाहिए। सवाल नंबर चार, कौन सा कपड़ा पहनने से हम लोगों को बीमारियां शरीर में बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, सूती के वस्त्र पहनने से कोई प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती है और पॉलिस्टर की साड़ियाँ या कोई भी कपड़ा पहनने से तरह तरह की बीमारियां होती है। सूती के कपड़ा पहनना छोड़ दिए लोग फटने के चलते। सवाल नंबर पाँच, कौन सा बिस्कुट बच्चों लोगों को खिलाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों के पास में जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, पार्ले जी एक ऐसा बिस्कुट है जो बच्चों से लेकर बूढ़े आदमी तक खा सकता है। इससे कोई प्रकार की बीमारियां हम लोगों के शरीर में नहीं उत्पन्न होती है, इसीलिए बूढ़े और बच्चे खूब आराम से और मौज मस्ती से खाते हैं। सवाल नंबर छह, आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाए तो तुरंत क्या करने से उनकी शरीर में गर्मी आती है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे से पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, किसी भी आदमी को शरीर जब ठंडा पड़ जाए तो सरसों तेल में लहसुन डालकर पका लेना चाहिए और उसके तलवे में मालिश करने से उनकी शरीर में गर्मी आ जाती है और तुरंत आदमी ठीक हो जाता है और उठ करके बैठ जाता है। सवाल नंबर सात, टीबी की बीमारी क्यों होता है। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में जरूर कीजिएगा कि ऐसे वीडियो रोजाना आप लोगों को देखने को, सोचने को और समझने को मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, लहसुन खाना में नहीं खाने के कारण टीबी की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए गर्भवती औरत को कभी भी सब्जी में लहसुन डाल करके और बना करके उनके सब्जी में देना चाहिए कि होने वाला बच्चा को टीबी की बीमारी न हो। सवाल नंबर आठ, बायां अंग में दर्द रहने पर क्या खाने पर ठीक हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
दोस्तों इसका सही आंसर है बायां अंग में अगर किसी प्रकार से दर्द हो जाए या ठंडी लग जाए तो गर्म सामान जैसे कि जो अंडा खाना है, मुर्गा का मीट खाना है, दाल खाना है और हरी मिर्चा को तेल में भून करके खाना है और ठंडा सामान का परहेज रखना है, जल्दी ही और तुरंत ठीक हो जाता है। ऐसी बीमारी भयंकर होती है। सवाल नंबर 9, कौन सा तेल सब्जी में ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तेल को खाने से सेहत भी बन जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है सोयाबीन तेल सब्जी में डालकर बनाकर खाने से कोई प्रकार की पेट की बीमारी नहीं होती है और हमारी जो सेहत है ये बिल्कुल बन जाती है और किसी प्रकार के शरीर में दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए बनाकर लोग बहुत से बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, एक बार आप लोग जरूर करें। सवाल नंबर 10, कौन सा तेल पेट में हानि करता है लेकिन लकवा जैसा भयंकर बीमारी बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों अगर लोगों को पहले से पता है तो हमारे कमेंट में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है डालडा एक ऐसा तेल है कि पेट में हानि करता है खाने के बाद, लेकिन लकवा जैसा भयंकर बीमारी हमारे शरीर में बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन पेट खराब होने के चलते लोग बहुत सभी लोग है कि नहीं खाना पसंद करते हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है हमें कमेंट जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा करके रखें कि कोई भी नया और ताज़ा जानकारी जो है आप लोगों के पास तक मिलती रहे। थैंक यू।